किसी के समझाने का कोई असर नहीं। देवी पार्वती अपनी हट पर अड़ी पहले की भांति तपस्या में लीन है। एक बार हम फिर प्रयत्न करके देखते हैं। देवी पार्वती, पार्वती आंखें खोलो देवी पार्वती, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। पार्वती, यदि तुम ये समझती हो कि तुम्हारे श्याम वर्ण का कारण हम हैं, तो हम इसे स्वीकार करते हैं। परंतु अब ये एकांत तपस्या छोड़ो और हमारे साथ कैलाश लौट चलो। देवी पार्वती, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। आंखें खोलो और पहले की भांति हमें प्रीति भाव से देखो। तो तुम आंखें नहीं खोलोगी, पर इतना तो जानती हो कि हम नटराज भी हैं। अपनी संगीत नृत्य कला का प्रदर्शन करके हम तुम्हें आंखें खोलने पर विवश कर सकते हैं।
भोलेनाथ के प्रयत्न के पश्चात भी माँ पार्वती तपस्या में लीन रही, ये भी शिवलीला ही थी। इस शिवलीला के कारण ही दूसरी ओर क्रूर और अत्याचारी शुंभ निशुंभ व राक्षसगण निरंतर निर्दोष भोले ऋषि मुनियों पर अत्याचार करते रहे तथा इन ऋषि मुनियों की करुण पुकार समस्त जगत में गूंज उठी। देवी सरस्वती, शुम निशुम के अत्याचार अपनी चरम सीमा तक पहुंच गए हैं, हमें शीघ्र ही कैलाश जाना होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ब्रह्मदेव, हमने आपकी इच्छा का सम्मान करते हुए देवी पार्वती से रुक्ष व्यवहार करते हुए उन्हें काली कहा, अब आप उनकी तपस्या सफल करके शुंभ निशुंभ के अंत का उपाय करें। जैसी आपकी इच्छा देवेश्वर। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे। देवी पार्वती। ब्रह्मदेव प्रणाम। देवी पार्वती, आपकी तपस्या सफल हुई। आपने मेरी पुकार पर मुझे दर्शन देने की कृपा की, इससे मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ। किंतु तपस्या की सफलता तब मानी जाएगी ब्रह्मदेव, जब आप मुझे मेरा पूर्व वर्ण और रूप पुनः प्रदान करेंगे। मैं शिवाज्ञा से इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ प्रकट हुआ हूँ देवी। यदि आप शिवाज्ञा से यहाँ प्रकट हुए हैं, तो मुझे इतना बताने की कृपा और करें कि क्या मुझे काली का रूप भी शिव इच्छा से ही मिला था। ब्रह्मदेव, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अब मैं क्या उत्तर दूं देवी, आप स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं। आप ये भी जानती हैं कि कोई भी कार्य शिवेच्छा के बिना नहीं होता। ब्रह्मदेव, कृपा कर मुझे ये बताएं कि क्या थी वो शिवेच्छा जिसके कारण मुझे श्याम वर्ण प्राप्त हुआ और ये कठोर यातना भुगतनी पड़ी। बताएं ब्रह्मदेव, बताएं। ये यातना नहीं, एक कर्तव्य था देवी। अब मेरे वरदान के साथ वो कर्तव्य पूर्ण होने जा रहा है। कर्तव्य पूर्ण होने जा रहा है वरदान से? हाँ देवी, मैं आपको ये वरदान देता हूँ कि आपके श्याम वर्ण से, श्याम वर्ण वाली एक अजन्मा दिव्य कन्या उत्पन्न हो और आपको अपना गौर वर्ण एवं रूप पुनः प्राप्त। उत्पन्न इस अजन्मा दिव्य कन्या का नाम कौशिकी है। कौशिकी? हाँ कौशिकी। यही कौशिकी पृथ्वी पर अत्याचारों की सीमा लांघ जाने वाले शुम निशुम के अंत का कारण बनी। अर्थात मुझे काली बनाने का उद्देश्य कौशिकी को प्रकट करना था। आप स्वयं जानती हैं देवी पार्वती
के शिव की लीला सदैव अद्भुत होती है। देवी कौशिकी, आप इसी पर्वत के सामने वाले शिखर पर निवास करें। घटना प्रवाह और समय की गति के साथ शुम निशुम अपने वध के लिए प्रेरित होकर आपके सम्मुख स्वयं आ जाएंगे। देवी पार्वती, शिवजी शिवगण सहित कैलाश पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ब्रह्मदेव, अब तो कैलाश यथाशीघ्र पहुंचना आवश्यक हो गया है। और ब्रह्मदेव, मैं भी आपके आदेशानुसार इसी पर्वत शिखर पर निवास करूंगी। मेरी मंगल कामनाएं आप दोनों के साथ। शुभम भवतु। पुत्री कौशिकी, सामने शिखर पर अपना प्रासाद बनाकर निर्भय होकर रहो। तुम भी शक्ति का प्रतीक हो, और यदि मेरी सहायता की आवश्यकता हो तो मुझे स्मरण करना, मैं अवश्य आऊंगी। मुझे यहाँ रहकर विधि की इच्छा और अपने दायित्व को पूरा करना ही होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। Om Namah Shivaya, 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 Om Nam